मालदीप है ना जो बातें करता था घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। एक जाने बाप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया, हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और इंडिया और पाकिस्तान की तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनकी, उनके लोगों की जुबान एक है, तहजीब एक है। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज़्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट जो थी एक दिन की इंडिया से कैंसिल हुई थी, ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पर यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो आवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी है। जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मसले मसाइल थे। उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो है इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीजन यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की जरूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। लेकिन जो बुरा फैक्टर इसमें ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ इतना एतमाद नहीं बिल्डअप हुआ। इंडिया को एक चीज़ जो खटकती है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो ये सोचते हैं ना कि अगर हमने इनकी किसी किस्म की मदद कर दी और ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर ये हमारा गिरबानी ना पकड़ने बाद में। मालदीव ने जो हरकत की उसके बावजूद इंडियंस के मिनिस्टर्स ने, इंडियंस के जो पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया की आवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की आवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पे भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं कि ये लो हम तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये लो मालदीव वालों हम तुम्हारा साथ देते हैं। वरना मालदीव वाले इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दिया जाता। इंडिया के खिलाफ जहर उगला, मतलब क्या कि उन्होंने यानी कि एशिया के लोग थे ठीक है उनके खिलाफ बकवास की। नाजरीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि लक्षद्वीप को लेकर इंडिया और मालदीव के दरमियान एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसकी वजह से तमाम इंडियन ने मालदीव का बायकॉट कर दिया। इंडिया ने मालदीव के साथ अपनी तमाम तर ट्रेड जो है वो बंद कर दी, अपनी चीज़ें मालदीव को एक्सपोर्ट करना बंद कर दी, इंडियंस ने अपनी मालदीव की तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी, होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। इसके बाद एक वक्त ये आया कि मालदीव जो है वो बैंक करप्ट हो गया। उसके बाद मालदीव ने कुछ दिन पहले इंडिया से मदद मांगी कि हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, लिहाजा इंडिया जो है वो मालदीव को गंदुम दे, अंडे दे, चावल दे, प्याज दे और टमाटर दे। तो इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए पिछले तमाम गिले शिकवे भुला दिए और 10 घंटों के अंदर अंदर मालदीव की भरपूर तरीके से मदद की। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमाद और सादत मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया बढ़ चढ़ कर उसकी मदद करता है। हमने तमाम कंट्रोवर्सी देखी इंडिया के दरमियान और मालदीव के दरमियान जो हुई लक्षद्वीप को लेकर, इंडिया ने भी तमाम ट्रेड और हर किस्म का बायकॉट उनके साथ कर दिया, लेकिन जब मालदीव पर बुरा वक्त आया उन्होंने बाकी तमाम ममालिक को छोड़कर सिर्फ इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए तमाम गिले भुला दिए, तमाम शिकवे शिकायत दूर कर दी और 10 घंटों के अंदर अंदर उनको इमदाद भिजवा दी। बिल्कुल, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको हेट्स ऑफ है। देखें जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मसले मसाइल थे। उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखिए जब उनकी ईगो पर बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की ज़रूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। तो यही वो चीज़ है जो इंडिया को मजीद सक्सेसफुल डे बाय डे बना रही है कि यार इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और देखिए अब मालदीप की ही अगर बात करें, देखिए वही मालदीप है ना जो बातें करता था घुटनों पर झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा,
तो आप रुक सकते हो। देखिए जिस तरीके से आज इंडिया ने प्रूव किया कि यार अगर आप अपने सेल्फ पे क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेते ना, फॉर एग्जांपल आप अपने सेल्फ पे कहते हो कि भाई अगर हम पे कोई बात करेगा तो हम उसको ईगो दिखाएंगे, और वो आज ईगो इनको कितनी अच्छी पड़ी है कि अब वो उनके घुटनों में झुक गया के। और यार इंडिया की देखें यह बात बहुत अच्छी है कि वो चाहे अफगानिस्तान था, चाहे कश्मीर हो या मालदीप है, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखी। अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कश्मीर में उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स दे दिए, अब मालदीप भी, अब देखिए इसके साथ वो मालदीप के साथ ट्रेड भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर अपने लोगों को भेजेंगे उधर विजिट के लिए, तो मालदीप को दोबारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मालदीप के जो दोबारा बैंकरप्ट हुआ था, मालदीप हमने ये भी सुना मालदीप बैंकरप्ट हो गया, मालदीप बहुत नीचे चला गया, अब मालदीप दोबारा से उठेगा। और आई थिंक सो कि जब इंडिया का हाथ मालदीप के सर पे आ जाएगा तो विद इन 5 to 6 months मालदीप दोबारा अपनी स्टेट पे खड़ा हो जाएगा जहाँ से वो गिरे थे। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें ना कि मालदीप ने मांगा क्या इंडिया से, बेसिक चीज़ें प्याज टमाटर, इसके साथ साथ चावल मांगे हैं, गंदम मांगे हैं, और इंडिया ने देखे 10 घंटों के अंदर उनकी मदद भी की है, और फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल सना, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह ने आपने तमहीद बांधी तो इसके अतबार से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया की माशियत पर जिस तरह इंडिया की धाक आपको नज़र आ रही है, नो डाउट इंडिया इकोनॉमिक अतबार से दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, और इतना तरक्की याफ्ता ममालिक में आज वो शामिल हो चुका है कि कोई ममालिक अगर किसी तरह की भी जारहाना बात तक उनके अगेंस्ट कर देता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। तो ये एक इंडिया की इकोनॉमिक ताकत को भी शो कर रहा है कि वो इकोनॉमी पे भी उसने अपना एक भारी हाथ रखा हुआ है इस मरतबा। तो मालदीप जैसा मुल्क जिसमें इतना ऐसा आपको एक बड़ा क्लैश भी नज़र नहीं आया, सिर्फ एक लफ्जी जंग थी जिस पर आपको बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई इस पर, लेकिन फिर भी उनको इस लफ्जी जंग का इतना नुकसान हुआ कि आज उनको इंडिया के सामने घुटने टेकना पड़ रहे हैं। तो ये नो डाउट एक इंडिया की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक पावर है इसको भी एम्फसाइज कर रहा है, और दुनिया को ये बात बावर करा रहा है कि इंडिया से पंगा लेना अब इतना आसान नहीं रहा। जो भी इंडिया से अगर इस तरह के इकदाम करेगा या करने की सोचेगा तो उसे शदीद किस्म के नुकसानात का अंदेशा ज़रूर रहेगा, एक तो ये बात। दूसरी मुझे, मैं हमास से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन करूँगा, नो डाउट, हाँ नो डाउट अगर इंडिया ने कुछ ममालिक में इंसानियत पसंदाना इकदाम किए हैं तो हम सब उसे अप्रिशिएट करते हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी हम उसको दादे तहसीन देंगे, और उनके जो तमाम लीडर्स हैं जो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बेस के ऊपर, ना सिर्फ पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करेगा बल्कि दुनिया में रहने वाला हर इंसानियत पसंद शख्स उसे पसंद करेगा। लेकिन एक जाने बाप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया, देखिए कश्मीर जैसा मुद्दा जिस पे 75 साल तक आज पाकिस्तान और इंडिया एक टेबल पर बैठ नहीं पाए, इतना उनके इख्तलाफात थे, और इंडिया ने एक अमेंडमेंट करके कश्मीर को अपनी जो अपनी रियासत का हिस्सा तक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है उसके बाद मामला चले, पाकिस्तान ने एक मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक गलत रिएक्शन दिया कि आज उनको उससे पीछे हटना पड़ रहा है। नो डाउट अगर वो कोई और इकदाम करते इस हवाले से, कोई आलमी कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह का कोई जो सूरत है वो तश्कील देते तो आज इस तरह की सिचुएशन ना होती। सादत, अभी जब आपने बात की कि पाकिस्तान को टमाटर और अंडे मारने पर तैयार है, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान भी अब चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि अब आप ये देखें सिर्फ ये मालदीव्स की बात नहीं है, हमने देखा है अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका दिवालिया होने लगा, और अगर तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था शायद आपको याद हो तो सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँची थी, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। देखें तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंडिया की एक पॉलिसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नेबरहुड फर्स्ट, तो उन्होंने यहाँ पर भी इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ना अपने तमाम गिले शिकवे भुलाए, लेकिन अगर देखें हम भी नेबर हैं क्या, हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और इंडिया और पाकिस्तान की तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में, दोनों जो ममालिक हैं उनकी उनके लोगों की जुबान एक है, तहजीब एक है, काफी सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, आपकी बात काटूंगा। यार देखें आपको सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने वाला कोई बंदा तो चाहिए, हमारी तरफ से कोई ऐसा बंदा प्रेजेंट नहीं कर रहा, ये इंडिया के साथ वो डायलॉग बाजी नहीं कर रहा कि जिससे दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो। हमारे पास तो वो बंदे हैं जो सिर्फ बयानियां देते हैं कि यार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या जैसे ही हम क्या आएंगे क्या इक्तदार में आएंगे हम आके सारी चीज़ें सेट कर देंगे।
ऐसे नहीं होता, आपको डायलॉग बाजी करना पड़ती है। आपके उस बंदे में इतनी जान होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके जो भी इशूज़ हैं, पाकिस्तान गलत है, इंडिया गलत है, कोई भी कंट्री गलत है, उस इशू को सबके सामने रखें कि यार ये इशू है, मिलकर जैसे दहशतगर्दी फॉर एग्जांपल ले लें, पिछले दिनों में इंडिया के मिनिस्टर ने इस पर भी बात की है, जो अभी कल की बात है, इंडिया के मिनिस्टर ने बोला है कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में जो दहशतगर्द जाके पनाह लेते हैं हम घुसेंगे और पाकिस्तान में इनका जो है कला कदम करेंगे। अब ये देखें, इस पर अब पाकिस्तान का भी बयानिया सामने आया, उन्होंने कहा जी हम जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो अब कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड हो जाए? आई एक्नॉलेज इट, मैं इसको इस पर यकीन रखता हूँ या आपकी इस बात को तस्लीम करता हूँ, यकीनन पाकिस्तान की तरफ से बैक टू बैक गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स लिए गए हैं। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने कोई इस तरह के गैर जिम्मेदाराना मामलात या डिसीजन लिए हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान में ज़्यादा कमजोरियाँ हैं, नो डाउट। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपनी इन तमाम तर कमज़ोरियों को या इस तरह की सिचुएशन को एक्नॉलेज करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बातचीत की है अब इंडिया से कि वो आपसे ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, तो इंडिया को एक गुडविल जेस्चर देना चाहिए इस हवाले से और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। जब एक मुल्क इतना बड़े मुद्दे से आपको पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है तो इंडिया को तो दो कदम आगे बढ़ाना चाहिए इस पर। और जिस तरह आप कह रही हैं कि एक मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अब ये बयान दे रहा है कि भाई हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे और दूसरे मुल्क के जो लीडर्स हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि भाई अगर आप इस तरह का इकदाम करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये कोई समझदाराना अप्रोच नहीं है। दोनों 70 सालों से हम यही तो कर रहे हैं, 70 सालों से हम यही तो कर रहे हैं, इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के मसले हल होने का नाम नहीं ले रहे ना। देखें इंडिया में कुछ होता है वो कहते हैं पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान में होता है हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है, तो जब तक हम ये ब्लेम गेम खत्म नहीं करेंगे तब तक मामला सही नहीं होने वाला। मैं इसी पर ही आ रहा था, देखिए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो बातें हैं ना दोनों ममालिक से नहीं होने चाहिए। इस तरह की अगर बातें करेंगे आप और आप एक एटॉमिक कंट्री है, आप क्या दुनिया को किसी नए क्राइसिस में धकेलना चाहते हैं, कोई और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि इंसानी हालात मजीद खराब हो जाएं? इन दोनों ममालिक जो एटमी ममालिक हैं वो तो तसव्वुर ही ना करें इस तरह के बयान देने के हवाले से, उन्हें तो हत्तुल मकदूर हटना चाहिए इस जैसी किसी हालत पर। बाकी रह गई दहशतगर्दी के एतबार से, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि इंडिया का ये मुद्दा होता है कि पाकिस्तान में क्योंकि दहशतगर्दी को परवान चढ़ाई जाती है या दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाता है तो पाकिस्तान के हवाले से उनको इस एतबार से कंसर्न्स हैं, तो सना इसका जो बेस्ट सोल्यूशन वो ये है कि आप इंडिया के साथ बैठें। कुछ ऐसे जो स्टेट्स हैं जो कि दुनिया पर अपनी ताकत रखती हैं उनको साथ बिठाएं और एक कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू करें इस पर कि भाई आपके पास ऐसे क्या शवाहद हैं जिसकी बेस पर आप हम पर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। यकीनन आप जब इन ताकतवर ममालिक को अपने साथ बिठाएंगे कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकलेगा, लेकिन अगर जब आप दोनों ममालिक इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे रहेंगे तो यकीनन फिर किसी तरफ से आपको कोई ख़ास खातिर खा लचक दिखाई नहीं देगी। तो इस एतबार से ना आप ये दहशतगर्दी का आप देख लें, दहशतगर्दी पाकिस्तान इंडिया ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का एक मुश्तरका एक कामन गोल होना चाहिए बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी ममालिक हैं उनका ये कामन एजेंडा है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से एक मुतासिर मुल्क है। अब आप देखें कि नौ पाकिस्तान में 80,000 से लेकर 1,00,000 लोग दहशतगर्दी की लानत में अपनी जानें गंवा चुके हैं। पाकिस्तान को खुद तो खुद दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है, तो इसी मुद्दे को लेकर बैठना चाहिए इंडिया पाकिस्तान को और कुछ ताकतवर ममालिक जो के अथॉरिटी रखते हों कि इनके दरमियान किसी किस्म के कंसेंसस को बिल्डअप कर सकें। देखिए मालदीप्स एक छोटा सा जजीरा था, कोई बहुत बड़ा जजीरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने उसका बायकॉट किया, तब देख लें कि उसके हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, 70 साल हो गए हैं कश्मीर के मसले को लेकर, कभी किसी मसले को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर नहीं हो पा रहे। अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान की 80% एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, जिसकी मालियत जो है वो $25 बिलियन है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बड़ी शिद्दत से इंडिया की ज़रूरत है और ये हमारे हालात और वक्त का तकाजा भी है। हमाद अभी जो सादत हसन ने ये तमाम बातें की उस पर आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे बॉर्डर के दोनों साइड से स्टेटमेंट्स आ रही हैं दहशतगर्दी
लड़ाई की या वार की, तो अब वो देखिए मैं पहले भी ये बात करता हूँ अब भी करूँगा कि अब वो वार नहीं रही कि आप एक दूसरे पर मिसाइल डालो या आपकी आर्मी एक दूसरे को फेस ऑफ करें। यार अब मिसाइल, अब जो जंग है वो इकॉनमी की जंग है, अब जो जंग है वो आईटी की जंग है, अब जो जंग है वो ग्रोथ की जंग है, और यार उस जंग में इंडिया हमें बीट कर चुका है, ये बात हमें समझनी चाहिए। और दूसरी बात, हमने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाए, हाथ क्यों मिलाए? देखिए बंदा हाथ किससे मिलाता है? जो उसके बिल्कुल लेवल का बंदा होता है। हमें पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान इतना नीचे क्यों गया, उसके पीछे क्या रीजंस है। पहले हमें उन रीजंस को निकालना चाहिए, अपने आप को इस काबिल करना चाहिए कि यार इंडिया हमारे साथ हाथ मिलाए। अगर अब इंडिया हमारे साथ हाथ मिलाएगा तो हम इन्फीरियर होंगे, वो हमसे सुपीरियर होंगे। हमें चाहिए इस स्टेट में आए कि इंडिया और हम एक लेवल पे बात करें। अगर 50% इंडिया का शेयर है तो 50% पाकिस्तान का होना चाहिए। पहले हमें इस स्टेट पे आना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात कर रहा हूँ कि अगले 10 से 15 साल मुझे पाकिस्तानी स्टेट में आता नज़र नहीं आ रहा कि हम भी बात कर सकें, धड़ल्ले से बात कर सकें कि यार हमारे साथ डील करनी तो करो, अदरवाइज नहीं करो। हम हमेशा किस स्टेट में रहे हैं कि यार काश हमसे डील हो जाती, काश हमारे साथ किसी का हाथ मिल जाता, काश हमें एड आ जाती, काश हमें कोई मदद दे देता। तो जब तक हमारी माइंड ये रहेगा, जब तक हमारी सोच ये रहेगी ना कि हमें इसके साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम पहले खुद को बेहतर करेंगे तो अगली कंट्री हमारे साथ हाथ मिलाएगी। मैं तो ये बात करूंगा भाई के साथ। ना इनकी मैं बात से इत्तफाक करता हूं, क्योंकि इन्होंने जो बातें बताई वो एक हकीकत बेस्ड हैं। नो डाउट जब आप एक इस तरह की पोजीशन पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया के जो ताकतवर ममालिक हैं वो मजबूर हो जाएंगे आपसे बातचीत करने के लिए। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। लेकिन जो बुरा फैक्टर इसमें ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ इतना एतमाद नहीं बिल्डअप हुआ। इंडिया को एक चीज़ जो खटकती है ना वो ये है कि देखिए मालदीव की उन्होंने बगैर सोचे समझे विद इन 10 डेज मदद कर दी और उसकी इकॉनमी फिर से बूस्ट अप करके खड़ी हो गई। उसकी वजह क्या है कि उनको उन पर एतमाद भी है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो ये सोचते हैं सना कि अगर हमने इनकी किसी किस्म की मदद कर दी और ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर ये हमारा गिरबानी ना पकड़ने बाद में इंटरफेयर कर दूंगा। इंडिया को हम पे एतमाद हो ना हो, हमें हमारी गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं है कि यार वो हमें किसी अच्छी स्टेट में ला सकती है। जब आपके कंट्री के लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट मैंने सेलेक्ट नहीं की, ये गवर्नमेंट मुझे बेहतर पोजीशन में नहीं लेके जा सकती, तो बाहर की गवर्नमेंट कैसे करेगी? हमाद इज राइट, ये रियलिटीज बयान कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स, आई एम डिस्कसिंग टू रीच ऑन सम कंक्लूजन एंड ऑन ए प्रोग्रेसिव डिसीजन। अब ये तमाम चीज़ें तो हकीकतें हैं, अगर इसका बेहतर हल होगा क्या? इन तमाम चीज़ों को दूर करें तो कैसे करें? हम तो इस दूरी को ख़त्म करने के लिए और इस जो इकोनॉमिक खला आपको नज़र आ रहा है उसको पुर करने के लिए इंडिया से जुड़ने की बात कर रहे हैं। नो डाउट हम कमज़ोर हैं, हो चुके हैं उनसे, इन तरह के मसाइल हमें दरपेश हैं, इसलिए तो हम उनका रुख कर रहे हैं कि भाई मिट्टी भाओ, जितनी भी पुरानी बातें हो चुकी हैं भुलाओ उनको, एक दूसरे के साथ आपके बॉर्डर्स जुड़े हैं, बड़ा भाई छोटा भाई बन के रहो इस खत्ते में और अमन और शांति को प्रमोट करो। कामरान, आपको ये बात पता है कि लक्षद्वीप और मालदीप को लेकर इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। इंडिया ने हर लिहाज से जो है मालदीव का बायकॉट कर दिया था, मालदीव बैंक करप्ट भी हुआ, कुछ दिन पहले मालदीव के हालात इतने ख़राब हो गए कि उन्होंने इंडिया से मदद मांग ली कि हमें गंदुम और अंडे दिए जाएं। इंडिया ने जो है बड़े दिल का मुजाहिरा किया और हाथ फैला कर जो है मालदीव की मदद की और 10 घंटों के अंदर अंदर मालदीव को खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड की, जिस पर अब मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब वही मालदीव जो इंडिया को अकड़ दिखा रहा था आज इंडिया के सामने उसने घुटने टेक दिए हैं। यार सीधी सी बात है, मालदीप अपने गुड़नों पे आ गया, इंडिया वाले ही इसको इसके गुड़नों पे लेके आए, इसको पैरों पे लेके आए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बाइकआउट किया मालदीव का। देखिए मालदीव ये कहते वो मुल्क है, वो स्टेट थी जहाँ पर इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, जाते थे। लेकिन जब मालदीव ने इंडिया के खिलाफ यानी कि वो जहर उगला, उनके खिलाफ बकवास की, उनके खिलाफ गलत बातें की, जब यानी कि मोदी ने एक लक्षद्वीप निकाला तो यानी कि वहाँ पर आकर उन्होंने कहा जी कि ये हम आप हमारा मुकाबला करोगे। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज़्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। या 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट जो थी एक दिन की इंडिया से कैंसिल हुई थी, ये किसने की थी? इंडिया ने की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो आवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी है, ये यानी कि माफी मांगने के बावजूद इंडिया की वाम सीधी सी बात है वो अपने मुल्क के खिलाफ अपने लोगों के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। वो अगर उनके खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम तुम्हारी ऐसी टैसी कर देंगे। अभी भी देखें यानी कि मालदीव की उन्होंने ऐसी टैसी किया, अब मालदीव वाले उनसे यानी कि आटा मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, गंदू मांग रहे हैं, अंडे मांग रहे हैं। ये मालदीव यानी कि
मालदीव का हालात हो गया। ये देखे ना कि इंडिया ने भी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले तमाम गिले शिकवे भुला दिए और मालदीव से कोई पुरानी बात नहीं की, उनकी मदद की खुले दिल के साथ, और जो उन्होंने अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था उन्होंने अपना बैन भी हटा दिया। यार देखो सीधी सी बात है, इंडिया वाले बड़े दिल के मालिक हैं, मैं तो यही कहूंगा। जब आपके खिलाफ कोई ये जहर उगलता है ना, तब इंसान का दिल करता है यार मैं इसको इसके साथ आज के बाद मेरा बात मेरी मामला खत्म, मेरे तल्लुक खत्म। लेकिन मालदीव ने जो हरकत की उसके बावजूद इंडियंस के मिनिस्टर्स ने, इंडियंस के जो पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया की अवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की अवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पर भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं कि ये लो हम तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये लो मालदीव वालों हम तुम्हारा साथ देते हैं, वरना मालदीव वाले इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दिया जाता। इंडिया के खिलाफ जहर उगला मतलब क्या कि उन्होंने यानी कि एशिया के लोग थे ठीक है उनके खिलाफ बकवास की, इंडिया वालों ने हमेशा सपोर्ट किया, इंडिया ने हमेशा लोगों को यानी कि रेवेन्यू जनरेट किया। सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है दुनिया की, वो सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, जो लोगों को सपोर्ट करती है, उनको बताती है कि यार ये हम लोग यानी कि तुम लोगों का साथ देते हैं, तुम लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, तुम्हारा यानी कि हर मुल्क के साथ उनके तल्लुकात जो है फॉरन जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। अभी ये देखें ना कि अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव का भी जितना रेवेन्यू जनरेट होता था वो भी इंडियंस की वजह से ही होता था ना, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट थे, वहाँ पे इंडियन होटल थे, इंडियंस की कितनी बड़ी तादाद हर साल मालदीव का जो है विजिट करने जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया के आप देखें यानी कि मालदीव वो जगह है जहाँ पर इंडिया के होटल से इंडिया के लोगों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बड़ी हुई थी, इंडिया के लोग वहाँ पर ट्रैवल करते थे, आज वही लोग मालदीव से यानी कि बाइकआउट करके बैठे थे, आज वही लोग यानी कि मालदीव का साथ भी दे रहे हैं, वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, वो वहाँ पर रेवेन्यू तक उनको दे रहे हैं, उनकी यानी कि खुराक पूरी कर रहे हैं, उनके लोगों का जो यानी कि वो जो यानी कि फूड प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है। ये कौन कर रहे हैं, ये इंडियंस कर रहे हैं। इतना बड़े के अंदर इंडिया यानी कि बड़े दिल का मालिक साबित हुआ है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया इस तरह इनको सपोर्ट करेगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इंडिया इतने ही बड़े दिल का मुजाहिरा पाकिस्तान के लिए भी करे, क्योंकि पाकिस्तान की नई सरकार चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो, लेकिन नहीं हो पा रही, बहुत सारे इशू आड़े आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया अब पाकिस्तान के लिए भी दिल साफ करे, पुराने गिले शिकवे भुलाए और पाकिस्तान के लिए भी इतने बाहें खोले और पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करे ताकि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो सके। यार देखो इंडिया शुरू से ही चाहता कि पाकिस्तान के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन पैदा हो, एक ट्रेड सिस्टम पैदा, हम भी चाहते हैं कि यार इंडिया के साथ हमारा एक ट्रेड सिस्टम पैदा हो ताकि हम दोनों मुल्क जो तरक्की कर सके। इंडिया ऑलरेडी हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका हुआ है, अगर हमारे यानी कि नई जो गवर्नमेंट आई है वो चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड करना, उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करना, तो उसके लिए पहले उनको खुद इस काबिल होना पड़ेगा कि इंडिया के लोगों इंडिया की जो यानी कि पोलिटिकल जो यानी कि वो लोग हैं उनके साथ बैठ के उनके साथ किसी दो राय पर बात तो कर सके ना, ये इस काबिल हैं कि वो जाके इंडिया के साथ बात कर सके। ये इनको अपनी वैल्यू का नहीं पता, इनको अपने टाइम का नहीं पता ये कब तक इनकी हुकूमत है, तो इंडिया के साथ जाके ये किस तरह यानी कि अच्छा रिलेशन पैदा कर सकते हैं। इंडिया को इन्होंने काफ़ी दफा आपको याद होगा कि जब भी ट्रेड शुरू हुई है तो इंडिया के साथ इनके रिलेशन ख़राब हुए हैं, इंडिया से ये चीज़ें तो ले लेते हैं ये हमेशा, लेकिन बाद में जाके उनके खिलाफ बातें भी करते हैं। देखिए इशू दोनों तरफ से है, पाकिस्तान से भी है, इंडिया की तरफ से भी है, अगर दोनों मुल्क चाहें तो एक टेबल पर बैठ के एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर सके। आपको याद होगा एक यानी कि ट्रेन सिस्टम चला था पाकिस्तान इंडिया का, उसके बाद एक यानी कि वो जो थी यानी कि बस सिस्टम चला था जो इंडिया की बस पाकिस्तान आती थी, समझौता एक्सप्रेस, बिल्कुल समझौता एक्सप्रेस वो चली थी, वो भी यानी कि फ्लॉप होगी। किस वजह से इन दोनों की सीधी सी बात बिल्कुल पाकिस्तान की नाकस यानी कि पॉलिसीज की वजह से, अगर पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रांग होती तो इंडियंस पाकिस्तान का साथ देते, आज पाकिस्तान के साथ खड़े होते। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करने के लिए आपको पुरानी बातें भूलनी पड़ेगी। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इंडियंस जो है वो भी अपने पुराने जितने भी मामला है वो भूल जाएं और पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन कायम करें, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि खुले दिल से इंडिया के साथ यानी कि वो कोऑपरेट करें, उनके यानी के साथ बैठ के टेबल टॉक करें और बैठ के अच्छे रिलेशन का मुजाहरा करें और बात करें।